आज देश भर में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेला का ये चौथा मुख्य स्नान पर्व है, जहां माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु संगम पर पहुंचे हैं। यहां स्नान के लिए 12 स्नान घाट बनाए गए हैं। वहीं सुबह करीब 9 बजे तक संगम में करीब 15 लाख लोगों ने स्नान किया। वहीं मेला प्रशासन का दावा है कि आज इस स्नान पर्व पर लगभग 80 लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे। यही कारण है कि स्नान घाट से लेकर पूरा मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही संतों के पंडालों और दूसरी जगहों पर ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती पूजा पूजी जा रही हैं। वहीं ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीला रंग के उपयोग का महत्व है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसीलिए बसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व है। बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और व्यंजन भी बनाए जाते हैं। प्रयागराज से संवाददाता राशिद अल्वी की रिपोर्ट। जी, बसंत पंचमी का पावन पर्व है और आप देख रहे हैं कि खराब मौसम और तेज हवाओं के बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार माघ मेले क्षेत्र में विभिन्न स्नान घाटों पर आगमन हो रहा है। सम्यक रूप से, सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान चल रहा है। जो बोटों का संचालन है, अभी लगभग 15 मिनट पूर्व हम लोगों ने प्रारंभ किया है, क्योंकि उससे पहले मौसम काफ़ी ख़राब था। अगर तेज़ हवाएं और अन्य कोई ऐसी कोई प्रतिकूल स्थिति बनती है तो बोटों का संचालन तत्काल हम लोग प्रतिबंधित कर देंगे। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लगातार सक्रिय है। 300 से अधिक कैमरे क्रियाशील हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ, ATS के कमांडोज, RAF की टीमें, NDRF, SDRF, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन, AS चेक टीम्स सभी क्रियाशील हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी क्राइम टीम ये भी सक्रिय हैं और लगातार मेले में भ्रमणशील हैं। सभी अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों पर लगातार भ्रमणशील लेकर नज़र बनाए हुए हैं।